और अगर आप भी ऐसे लंबे समय के लिए लैपटॉप पे बैठते हैं तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हम इनकी थोड़ी स्पाइन को सीधा करेंगे। मैम एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, रिलीज रिलीज रिलीज। हाँ फिर से मैम, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट। ऐसे एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए 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 छोड़िए, ब्रीद आउट ब्रीद आउट। वेरी गुड। आपकी स्पाइन ऐसे कैसे झुक गई आगे की तरफ? बहुत देर बैठती हूँ फिर उसके बाद उठती हूँ तो ये एकदम से सीधी नहीं हो पाती है, बहुत पेन हो रहा है। बहुत पेन हो रहा है। आप बैठो, मैं पहले आपकी स्पाइन ही रिलीज करता हूँ। आप बैठो, ऐसे बेड पे बैठो, पैर नीचे रखो, ऐसे करो, ऐसे दोनों हाथ ऐसे करो मैम, जरा दोनों हाथ ऐसे करो। देखो ये इनकी स्पाइन जो है पूरी तरह से झुक गई आगे की तरफ, जिसकी वजह से सीधी नहीं हो पा रही है। और अगर आप भी ऐसे लंबे समय के लिए लैपटॉप पे बैठते हैं तो आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, हम इनकी थोड़ी स्पाइन को सीधा करेंगे कि इनकी जो पेन है, जो दिक्कत है, वो चली जाए पूरी तरह से। तो इस तरह से हम थोड़ा इनकी स्पाइन को इस तरह से पूरा रिलीज करेंगे, क्योंकि ये सारी स्पाइन इनकी स्टिफ हो गई है पूरी तरह से। तो इसको हम पूरा रिलीज कर देंगे स्पाइन को ऐसे पहले पूरा, क्योंकि जो पेशेंट को कुप निकल जाता है या जो पेशेंट झुक जाता है आगे की तरफ, उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होती है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लैपटॉप पर बड़े लंबे समय के लिए बैठ रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ब्रेक्स लीजिए। अच्छा, अब मैम का थोड़ा सा हम लोग रिब केज रिलीज करेंगे, क्योंकि थोरेसिक स्पाइन के साथ रिब केज कनेक्टेड होता है। मैम ये वाला हाथ आप ऐसे करो, ये वाला हाथ ऐसे करो और ये वाला हाथ ऐसे करो, इधर करो। मैम बॉडी लूज लूज बॉडी, ब्रीथ ब्रीथ, हाँ ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। फिर से मैम, ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। अगेन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद आउट। वेरी गुड। थोड़ा इस तरफ से भी रिलीज करते हैं। अगेन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट। फिर से ब्रीद आउट। वेरी गुड। फिर से बस अब आप लेटिए मैम, लेट जाइए। अब मैम की पहले हम दोनों लेग्स चेक कर लेते हैं, क्या पोजीशन है इनकी लेग्स की। अगर आप देखेंगे तो ये इनकी थोड़ी सी टांग लंबी है। अभी मेरे पास एक स्केल है, मैं उसकी मदद से आपको दिखाता हूँ कि इनकी कौन सी टांग लंबी है, कौन सी छोटी है। ये स्पेशल एक कायरोप्रैक्टिक का स्केल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। देखिए आप, ये देखिए आप, अगर मैं स्केल को सीधा लगा रहा हूँ तो देखिए इनकी टांग में कितना फ़र्क है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी टांग इनकी यहाँ से छोटी है। एक बार मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा इधर से दिखाए आप लोगों को टांग। ये देखिए आप, ये टांग लंबी है, एक पूरी छोटी है। ये देखिए आप कितना फ़र्क है दोनों टांगों के अंदर। ये स्केल मैंने लगाया हुआ है इनकी टांगों में। ये वाली टांग इनकी छोटी है, जब ये चल रही है तो पूरा वजन टांग का इसी के ऊपर आ रहा है। तो इसको हम पहले रिलीज करेंगे पूरा। ऐसे करिए बॉडी लूज लूज। अब आप इस टांग के ऊपर ये वाली टांग रखो ऐसे सर, ऐसे, और ये दोनों हाथों से इस लेग को पकड़ो ऐसे ऐसे। बस अब आप ऊपर करो वन। इनको अब थोड़ा सा ये स्पाइनल एक्सरसाइजेस करा रहे हैं, 2 3 4 5 6। हाँ इस तरह से हम करेंगे मैम लेग स्विंग। थोड़ा सा हम लोग इनकी अबडक्टर मसल्स को भी रिलीज कर देते हैं, क्योंकि अबडक्टर मसल्स भी पूरी टाइट हो जाती है। मैम एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए छोड़िए छोड़िए। अब आप दोनों घुटने मोड़ लीजिए मैम, मोड़ लीजिए, हाँ ऐसे। मैम अब आप दोनों टांगे बंद करिए, बंद करिए दोनों टांगे, बंद करिए बंद करिए बंद करिए, हाँ रिलीज कर दीजिए मैम बस। अब आप ऐसे लेटे रहिए, एक बार थोड़ा सा नेक हम रिलीज करते हैं जी। मैम ये पेन है आपको इस जगह पे? हाँ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रिलीज रिलीज रिलीज। हाँ फिर से मैम, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट। बहुत बढ़िया। अभी मैम दोनों हाथ ऐसे करिए, आप दोनों हाथ ऐसे करिए, हाँ ऐसे एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर, छोड़िए 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 छोड़िए, ब्रीद आउट ब्रीद आउट। वेरी गुड। और इस लेग को आप इसके ऊपर रखिए ऐसे, एक लंबा सांस लीजिए जी, छोड़िए बाहर,
अब आप इस लेग को इसके ऊपर रखिए मैम, एक लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए बाहर, छोड़ दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा मैम का हम लोग शोल्डर रिलीज करेंगे। मैम ये वाला हाथ गर्दन के नीचे कर लीजिए आप ऐसे। हाँ मैम एक लंबा सांस लीजिए, छोड़िए बाहर। बहुत बढ़िया। अब ये वाला हाथ गर्दन के नीचे करिए मैम, छोड़िए। ब्रीद इन ब्रीद इन, ब्रीद आउट ब्रीद आउट। मैम अब आप करवट ले लीजिए मेरी तरफ, करवट ले लीजिए। थोड़ा सा नेक उठाइएगा मैम, नेक उठाइएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा आगे आइए मैम, आगे आइए थोड़ा सा। ये वाली लेग सीधी, हाँ ये वाला, दोनों हाथ ऐसे पकड़िए आप दोनों हाथों में, हाथ दोनों हाथ यहाँ रखिए। फेस थोड़ा सा इधर, बॉडी लूज रखिएगा मैम, लूज लूज। अब आप दूसरी तरफ आए, इस तरफ थोड़ा सा ये वाला हाथ दिखाइए मैम, ऐसे पकड़िए आप। फेस थोड़ा सा इधर, बॉडी शुड बी लूज, रिलैक्स योर बॉडी, ब्रीद इन, हाँ ब्रीद आउट। अब आप सीधा लेटिए। अभी इनका हमने L4 L5 S1 रिलीज कर दिया है, अब इनका थोड़ा सा हम लोग L3 L4 करेंगे। मैम ऐसे दोनों हाथ गर्दन के नीचे करिए आप सब। हाँ बॉडी लूज, रिलैक्स रिलैक्स मैम, रिलैक्स। हाँ रिलैक्स, छोड़ने नहीं है आपने हाथ। हाँ बहुत बढ़िया। अब आप उल्टा लेटिए मैम, सर उल्टा लेटिए एक बार आप। पहले इनकी स्पाइन हम चेक कर लेते हैं। ये वाला मन का थोड़ा सा इनका इस तरफ को गया हुआ है, लोअर स्पाइन देखते हैं। ये वाला PSI इधर आप देख सकते हैं तो ऊपर की तरफ है, और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अभी इनको पेन है ग्लूट्स में, तो सबसे पहले इनकी थोड़ी ग्लूट्स रिलीज कर लेते हैं हम लोग। मैम पेन तो नहीं हो रहा ज्यादा, कंफर्टेबल हैं? यस थोड़ा। एक लंबा सांस लीजिए मैम, छोड़िए बाहर। अगेन ब्रीद इन ब्रीद आउट। ये वाला हाथ ऐसे रखिए, ये वाला शोल्डर का पोर्शन होता है जो पेशेंट का पूरा स्टिफ हो जाता है, इसको अब हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। मैम ब्रीद इन विदाउट। इसको थोड़ा फेशियल गन से मैं रिलीज करने जा रहा हूँ, क्योंकि इनका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया है, जिसकी वजह से इनको ये सारा पेन आ रहा है। ये मेरे पास फेशियल गन है, इसकी मदद से मैं ये सारा रिलीज करूँगा शोल्डर पहले। पूरा इनका स्टिफ हुआ है। अभी थोड़ा सा हम लोग इनकी नेक को रिलीज करेंगे। मैम आप अभी पहले आप खड़े हो गए सर, इधर आइए ना, फेस दिस साइड। आप दोनों हाथ ऐसे करिए जरा नेक के पीछे। हाँ बॉडी लीन करनी है आपने, लीन करनी है पीछे की तरफ, पीछे 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 पीछे। हाँ जी जस्ट रिलैक्स जस्ट रिलैक्स। ब्रीद इन मैम ब्रीद इन। हाँ ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट ब्रीद आउट। एक और हाँ ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद आउट। बस अब आप बैठिए मैम, थोड़ा शोल्डर रिलीज करेंगे आप। बैक नीचे लेग्स नीचे। ये वाला हाथ इधर करिए। हाँ बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड। हाँ फिर से इस तरफ को, बॉडी शुड बी रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड। हाँ बहुत बढ़िया। एक हम आपको थोड़ा सा C1 अलाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन होता है C1 का, ये बिल्कुल कान के पीछे जिसके ऊपर हमारा सारा आता है, ये वाला पोर्शन पूरा पेशेंट का टाइट हो जाता है।
अब आप थोड़ा चल के देखिए मैम कैसा महसूस कर रही हैं। कुछ आपकी बॉडी रिलैक्स हुई पहले से? कुछ हल्का लग रहा है मैम? बहुत हल्का। बॉडी हल्की हो गई है? मेरे वर्किंग आवर्स में लैपटॉप बैठ के बहुत टाइम तक बैठना तो उससे पूरी बैंड हो गई थी, बहुत पेन था बॉडी में, बट अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। रिलैक्स हो गई है बॉडी आपकी पूरी तरह से? हो गई है यार। जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम कैसे पता चला आपको हमारे बारे में? कहाँ कैसे आपको हमारे बारे में पता चला और ये तकलीफ कब से थी आपको? ये मुझे थी अबाउट लाइक 1 ईयर और मुझे इंस्टाग्राम से पता चला, इंस्टाग्राम फेसबुक से। जी तो जी, मैं वहाँ से उसके थ्रू यहाँ पे आई और आई फाउंड रियली गुड जी 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 ट्रीटमेंट। और आप भी आइए, मैं बोलूँगी प्लीज़ कराइए। मैम क्या आपका जॉब वर्क रहता है जो आपको इतनी तकलीफ आई है, क्या करती हैं आप? एक्चुअली मैं आईटी फील्ड में हूँ तो उसमें प्रोजेक्ट्स होते हैं मेरे, तो बहुत वर्किंग आवर बहुत लंबा होता है, पूरी पूरी रात लैपटॉप पे वर्क, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैम एक मेरी और भी एडवाइस है, जैसे आप बैठती हैं तो आपने आई लेवल पे स्क्रीन करके बैठना है। okay. आपकी स्क्रीन जो है आई लेवल पे हो और हर आधे आधे घंटे में आप ब्रेक लेके उठिए, थोड़ा काम करिए, चक्कर काटिए, फिर आप बैठ के काम कर सकते हैं। okay. और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं डॉक्टर वरुण दुग्गल।